हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार मेरी रीडिंग चेकआउट कर रहे हैं, वेलकम। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। अब देखिए, ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जून के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जून। जून मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस? यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके अब टॉरस देखिए, मैंने तीन कार्ड्स निकाले हैं यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ कप्स। इवन दो मैंने तीन कार्ड्स निकाले हैं यहाँ पे, 10 10 डेज में रीडिंग डिवाइड करी है, फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज, लास्ट 10 डेज। बट मैं हमेशा बोलती हूँ दिन पे इतना फिक्स मत रहिएगा, मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखिए, फर्स्ट 10 डेज की जहां तक हम बात करें, किंग ऑफ सोर्ड्स कोई जेमिना, लीब्रा, एक्वेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे फर्स्ट 10 डेज में ना काफी अथॉरिटी आती हुई दिख रही है, काफी अथॉरिटी आ रही है, काफी लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे फर्स्ट 10 डेज ऑफ जून में। मे बी आप जिस इंसान के साथ हैं वहां पे लॉयल्टी कुछ रोल प्ले कर सकती है, उनकी तरफ से या आपकी तरफ से, बट इंपॉर्टेंट होना दिख रहा है। मे बी आप जिस जॉब में हैं, आपको शायद कोई और जॉब मिल जाए, ऑफर आ जाए, एंड आपको लॉयल्टी दिखानी पड़े अपनी करंट कंपनी के टुवर्ड्स, ठीक है। मे बी वहां पे भी आपको कोई पोजीशन मिल रही हो, बाहर भी मिल रही हो, तो वो अथॉरिटी वर्सेस लॉयल्टी ऐसी चीज भी हो सकती है। काफी लॉजिकल हो रहे हैं आप, काफी इंटेलेक्चुअल बिहेव कर रहे हैं आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इमोशनल भावनाओं में बह जाना, वो वाली चीज नहीं है, काफी लॉजिकल हो रहे हैं फर्स्ट 10 डेज में, चाहे वो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, चाहे वो अपने काम को लेकर। मिडिल 10 डेज, द वर्ल्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपकी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ना मिडिल 10 डेज में कंप्लीशन की वाइब आ रही है। मे बी आपका कोई एक ड्यूरेशन कंप्लीट हो रही है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ या इंसान के साथ, तो एनिवर्सरी आ रही है मे बी, बट कंप्लीशन हो रहा है कि कोई एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, कोई एक जर्नी कंप्लीट हो रही है, कोई रिलेशनशिप कंप्लीट हो रहा है, स्टार्ट हुआ था कोई जर्नी एंड अब वो एंड हो रही है, वैसा भी हो सकता है। रिकग्निशन मिल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप को, रिकग्निशन मिल रहा है। मे बी फ्यू ऑफ यू आर गेटिंग मैरिड, एंड एक वो ठप्पा लगना होता है ना कि हमारे रिलेशनशिप को अब ठप्पा लग रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है दुनिया के सामने, एक्सेप्टेंस मिल रही है, वो चीज भी मुझे दिख रही है। ऑल्सो कंप्लीशन के साथ साथ बहुत फुलफिल फील कर रहे हैं आपके, हाँ अब मैं सेटिस्फाइड हूं, मेरे पास सब है, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तो वो वाली मुझे वाइब आ रही है। सेलिब्रेशन भी दिख रही है, सक्सेस भी दिख रहा है। मे बी बोथ ऑफ यू, लाइक यू एंड योर पार्टनर आर गेटिंग टुगेदर, सेलिब्रेटिंग समथिंग, फीलिंग कंटेंट, बिल्कुल सारी चीजें हैं लाइफ में, अब और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर पार्टनर नहीं है तो पार्टनर आ सकता है जिसके साथ आप कंटेंट फील करें। लास्ट 10 डेज ऑफ जून में सिक्स ऑफ कप्स है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी दोस्त के साथ रीयूनियन हो सकती है, किसी पुराने जान पहचान के इंसान के साथ रीयूनियन हो सकती है, कोई पुराना क्रश हो सकता है, कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, बट इस इंसान के साथ वापस आप मिल रहे हैं, या तो रैंडमली टकरा रहे हैं या फिर कहीं पे कुछ कहते ना कुछ गेट टुगेदर अरेंज हो रहा है और वहां पे आप इनसे मिल रहे हैं, बट नोस्टैल्जिया डिस्कस हो रहा है, पुरानी बातें डिस्कस हो रही हैं, चाइल्डहुड डिस्कस हो रहा है कि हम पहले बचपन में क्या किया करते थे, तो वो वाली थोड़ी मुझे वाइब आ रही है लास्ट 10 डेज में। देखते हैं लव मैसेजेस क्या है फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जून। यूनिवर्स प्लीज बताइए लव मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जून। दैट यू हैव ऑप्शंस इज मीनिंगफुल। देखिए टॉरस, ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, आई थिंक आपके पास ऑप्शंस होंगे, बट आप उसमें से रियलाइज कर लेंगे कि कौन सा इंसान ज्यादा कंपैटिबल है मुझसे, कौन किस इंसान के साथ ज्यादा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस होती हैं, तो वो आई थिंक आपको रियलाइज हो जाएगा। या फिर देखिए, एनर्जी यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उनके पास ऑप्शंस हो, बट वो ये चीज रियलाइज कर लें कि आप ज्यादा कंपैटिबल हो, आपके साथ ज्यादा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस होती हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। कंपैरिजन मत करिएगा जून मंथ में अपने रिलेशनशिप का, अपने बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, पार्टनर का, हस्बैंड वाइफ, जो भी है आपका सिचुएशन, कंपैरिजन मत करिएगा किसी और के रिलेशनशिप से, किसी और के पार्टनर से। कंपैरिजन करने से देखिए, या तो आपके पास जितना भी चीज है आप उसको चेरिश नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा ओ मेरे पास ये नहीं है, कम है,
एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, तो वो कंपैरिजन करने से हमेशा जो जॉय होता है, जो हैप्पीनेस होता है, वो कम ही होती है. तो वो मत करिएगा, मिसलीड मत होइएगा, डोंट बी मिसलेड. कोई अगर आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली इन योर लव एंड रिलेशनशिप और मे बी मैरिज एज वेल, अगर आपको कुछ कहते ना गाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी बातें मान ले. पहले अपना दिमाग लगाइए, अपना विजडम यूज करिए, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए कि मुझे क्या सही लगता है. तो फेस वैल्यू पे मत जाइए, जिसने जो बोला उस तरफ चल लिए, वैसे ही कर लिया, वो मत करिएगा. ठीक है, सो डोंट बी मिसलेड अगर कोई आपको मिसलीड करने की कोशिश करे. तो यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जून. ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस. पैसा आने वाला है, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, चीजें अच्छी होने वाली है, बरकत आने वाली है घर में, ग्रोथ आने वाली है प्रोफेशनली, पर्सनली, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से. बट प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस दिख रही है मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे जून मंथ में. अब देखिए, वो जून मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस ना आपकी, आई थिंक इंटायर मंथ आपका प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस रहेगा, बिकॉज हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स है, द वर्ल्ड है, सिक्स ऑफ कप्स है. तो पूरा महीना ही ऑलमोस्ट अच्छा अच्छा दिख रहा है मुझे. यूनिवर्स प्लीज बताइए जून मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस. जून मंथ के लिए मैसेजेस फॉर टॉरस. फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और व्हाइट हेयर. हो सकता है कोई बुजुर्ग इंसान हो, ये आपसे बड़ा हो, एज में सफेद बाल हो, आदमी हो, एंड इनके साथ कोई या तो प्रोफेशनल स्पेस में कोई डीलिंग, क्लाइंट, प्रोजेक्ट, बॉस कुछ हो सकते हैं ये, या फिर पर्सनल स्पेस में भी ये कोई इंसान हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या फादर या ब्रदर. बट इनके साथ डीलिंग या रिलेशनशिप जून मंथ में काफी सिग्निफिकेंट हो सकती है. इनकी वजह से आपको ग्रोथ मिल सकती है, इनकी वजह से आपको पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ग्रो करने का मौका मिल सकता है. कई बारी कई लोगों का सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि आप उसकी वजह से ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, कई बारी सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है. तो वो मुझे दिख रहा है इस इंसान की तरफ से, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेसिकली नेक्स्ट मंथ इस इंसान का. यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं जून मंथ के लिए मैसेजेस फॉर टॉरस. पिन, न्यू जॉब करियर, कोई नई जॉब, नया करियर, नया फील्ड हो सकता है. बहुत सिंपल सा मैसेज है जून मंथ में. अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या इंटरव्यूज दिए हुए हैं या प्लान कर रहे हैं, और अगर नहीं प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं. नई जॉब, नया करियर, नई चीजें स्टार्ट हो सकती हैं, नया सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है. देखते हैं चार्म्स में से हमारे पास क्या है. यूनिवर्स देखिए, हमारे पास एक तो लायन आया है और हमारे पास सन आया है लियो. सन जो है वो लियो के रूलिंग प्लैनेट होता है. तो लियो काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे जून मंथ में, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है. इवन तो हमारे पास कार्ड कोई नहीं आया है, बट लियो कोई भी आपका कनेक्शन में इंसान हो सकता है या आपका मून साइन हो सकता है. ट्री ऑफ लाइफ है, ग्रोथ दिख रही है नेक्स्ट मंथ. जून मंथ में काफी ग्रोथ है यहाँ पे. देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, द वर्ल्ड भी है हमारे पास, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस भी है. डॉग अडॉप्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कर चुके हैं, फीड करते हैं, डॉग लवर हैं. लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. किंग ऑफ सोर्ड्स, अगेन मैंने आपको बताया था, लॉयल्टी किसी ना किसी तरीके का रोल प्ले कर सकती है जून मंथ में, फर्स्ट 10 डेज और मे बी ड्यूरिंग द एंटायर मंथ. बट यस, ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन है, यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर. जून मंथ में आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है हमको चौरस. ओके, बट मोर ऑर लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.